बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफियत से होंगे। आज दोस्तों हमारा बूट स्ट्रैप का 4 का लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हम प्रोग्रेस बार्स डिफरेंट क्रिएट करना सीखेंगे। ओके, अब प्रोग्रेस बार होती क्या, तो आपने देखा होगा ये प्रोग्रेस बार है। ओके, और ये प्रोग्रेस बार आपने फीमेलर हैं आप ऑलरेडी से, वो कैसे बोला आपने, अक्सर ये प्रोग्रेस बार वाला कहाँ देखी हुई है, जहाँ पे आप डाउनलोडिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे आपने देखी है, जब आप अपलोडिंग कोई चीज़ कर रहे होते हैं तब आप देखते हो, जब आप कुछ चीज़ इंस्टॉल कर रहे होते हो तब आप देखते हो कि आपकी एक प्रोग्रेस बार होती है जो आपको बता रही होती है कि इतने परसेंट ये चीज़ डाउनलोड हो चुकी है, इतने परसेंट ये इंस्टॉल हो चुकी है या अपलोड हो चुकी है। ओके, तो वो प्रोग्रेस बार बनाने के लिए हमारे पास ऑलरेडी बूटस्ट्रैप के अंदर एक क्लास है प्रोग्रेस के नाम से, ओके, जो हमारी प्रोग्रेस तैयार करती है। तो वो कैसे हम कर सकते हैं, तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसे रिफ्रेश किया और ये ख़त्म हो गया। चलें अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं, एक मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ और इस डिव को मैं क्लास दे देता हूँ कंटेनर की, क्लास इक्वल टू कंटेनर। कंटेनर इसलिए ताकि मेरा लेफ्ट और राइट से थोड़ा मार्जिन छोड़ दे। ओके, ये वाली डिव, तो ये मैंने लिया कंटेनर। देन इस कंटेनर के अंदर आप ज़रा गौर करें, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक आप चाहते हो एक प्रोग्रेस क्रिएट करना, तो उसके लिए आपने एक डिव क्रिएट करनी है। तो हमने ये कंटेनर फ्लूड कंटेनर क्लास के अंदर एक और डिव ले ली और इस डिव को मैं नाम दे दूंगा क्लास प्रोग्रेस, प्रोग्रेस, ठीक है, ये प्रोग्रेस हो गई। अब देखें ये आपकी एक डिव है जिसको आपने नाम क्लास दिया है प्रोग्रेस। अब आपने प्रोग्रेस तो दे दी तो ये एक प्रोग्रेस बन जाएगी, लेकिन उस प्रोग्रेस के अंदर आप एक बार नहीं अभी बनाए, ठीक है, तो देन उस प्रोग्रेस के अंदर आपको एक बार चाहिए, जैसे वो आपको एक बार नजर आ रही होती है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस डिव के अंदर हमें एक डिव चाहिए, ठीक है, इसके अंदर हमें एक डिव चाहिए और ये हमारी ये जो मेन ये जो डिव है जिसको हमने प्रोग्रेस की क्लास दी हुई है, ये हमारी पेरेंट डिव है और इसके अंदर ये चाइल्ड डिव है जिसको हम क्लास देंगे प्रोग्रेस बार के नाम से। तो हमारे पास एक होती है प्रोग्रेस, प्रोग्रेस बार, ठीक है, तो ये हमारी चाइल्ड क्लास है जो क्या करती है, हमारी एक प्रोग्रेस तैयार कर दिया। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी, ठीक है, तो ये हमारी होगी पेरेंट डिव प्रोग्रेस, देन उसके अंदर एक चाइल्ड डिव प्रोग्रेस बार के नाम से। तो मैं अगर आपको करूँ रिफ्रेश तो ये आपको कुछ इस तरह नज़र आएगी, ये रिफ्रेश किया तो ये आपने गौर किया थोड़ा थोड़ा आपको ये नज़र आ रही होगी थोड़ी सारी, ये आपको हाईलाइट हो गई, ये एक बार सी नज़र आ रही है। ओके, तो ये भी आपको बार तो नज़र आने शुरू होगी, लेकिन मैं थोड़ा स्पेस देता हूँ ऊपर से, तो उसके लिए मैं बी आर टैग यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ मैंने बी आर टैग ले लिया, ये थोड़ा ऊपर से छोड़ देगा फासला, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ आ गई। देन अब ये प्रोग्रेस बार तो बन गई, लेकिन इसके अंदर वो जो आपको कलर नज़र आ रहा होता है वो कैसे आता है दोस्तों, वो तब आता है जब आप उसको कोई विड्थ देते हो। कि अभी आपने चूंकि इसे कोई प्रोग्रेस बार कोई विड्थ डिफाइन नहीं की हुई, तो ये जो आपकी प्रोग्रेस क्लास है पेरेंट क्लास है, इसके अंदर ये जो चाइल्ड क्लास है प्रोग्रेस प्रोग्रेस बार, इसको आप क्या करोगे स्टाइल दोगे विड्थ का। ओके, विड्थ की प्रॉपर्टी सेट करोगे, तो उसके लिए हम क्या यहाँ पे करते हैं स्टाइलिंग करेंगे सीएसएस की इनलाइन स्टाइलिंग। ओके, आपको पता है इनलाइन स्टाइलिंग कैसे करते हैं, पहले स्टाइल का टैग देते हैं, देन उस टैग के अंदर हम लिखते हैं जो भी हमें प्रॉपर्टी देनी हो, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा विड्थ और वो मैं फॉर एग्जाम्पल चाहता हूँ 70%। ओके, ये दे दिया। अब मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखें बूम गाइस, ये आपने गौर किया जैसे ही हमने कोई विड्थ देते हैं साथ ही ये प्रोग्रेस बार आपको प्रॉपरली नजर आना शुरू हो जाती है। अब एक और चीज़ आपने देखी होगी, जैसे ये आपको प्रोग्रेस बार ऐसे तो नज़र नहीं आती, लेकिन क्योंकि आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा होता है, इसके अंदर टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है। ओके, सिंपल तो प्रोग्रेस बार होती नहीं है। ओके, सिंपल हो तो इसका हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है। फ़ायदा कब होगा, जब इसके अंदर हमें ये बता भी रहा होगा टैक्स के साथ कि 70% ये हो चुकी है, 60% हो सकती है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं सिंपल, उसके लिए आपने इस डिव के अंदर सिंपली टैक्स कुछ भी लिख दें टैक्स के साथ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 70%, तो ये आपको यहाँ अब यहाँ पे नजर आएगा। तो ये देखें ये आपको नजर आना शुरू हो गया 70% यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं। ओके, अभी ये स्टैटिक है, तो इसको डायनामिकली हम कैसे बनाते हैं, पीएचपी और माईसीक्वल की हेल्प से। ओके, तो ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था। देन अब आपने ये भी देखा था कि अभी हमने कलरफुल जो है प्रोग्रेस बार तैयार की थी, वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी की पूरी, क्योंकि प्रोग्रेस बार तैयार करने के लिए आपको ये पेरेंट डिव और चाइल्ड दोनों की जरूरत पड़ती है, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट देन पेस्ट देन ये पेस्ट कर दिया। ओके, देन ये पेस्ट कर दिया, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनको थोड़ा फासला देने के लिए मैं बी आर का टैग इस्तेमाल करूँगा, मैंने यहाँ यूज़ कर लिया बी आर, कंट्रोल सी से करता हूँ कॉपी पेस्ट, देन यहाँ पे भी पेस्ट,
यहाँ पे भी बेस्ट। ओके अब मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये आपको मल्टीपल जो है ये देखें प्रोग्रेस बात ऐड हो चुकी हैं, और मैं इसे थोड़ा कम जूम करता हूँ ये यहाँ तक, ठीक है। ओके अब हम चाहते हैं कि ये जो है ना ये पहली 70 देन 40 देन डिफरेंट कलर भी आए और साथ ये डिफरेंट इनके लेवल्स भी बन के आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे सिंपल यहाँ पर इसको हम हाई विड्थ दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल 50% और यहाँ पर भी 50 कर लेते हैं, यहाँ पे 40, यहाँ पे भी 40 और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल 60 और यहाँ पे भी 60 और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 80 और इस जगह पे भी 80, ठीक है। ये हम डिफरेंट स्टाइल देते हैं। देन उसके बाद हमें क्या करना है, हम चाहते हैं ये इनके डिफरेंट कलर भी यहाँ पे आए, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए दोस्तों हमारे पास प्रॉपर एक क्लास होती है प्रोग्रेस बार के अंदर, एक क्लास होती है प्रोग्रेस, आपने सिंपल क्या लिखना है प्रोग्रेस प्रोग्रेस बार और आगे जो आपने कलर देना उस कलर का नाम, जैसे आपको पता है हमारे पास बूस्टर में डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं, जैसे प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, इन्फो कलर, डेंजर कलर, वार्निंग कलर, तो आप डिफरेंट कलर दे सकते हैं। तो ये जो बाय डिफॉल्ट प्रोग्रेस बार को जो कलर दिया जाता है वो हमारे पास कौन सा, ब्लू, तो ये ब्लू असल में प्राइमरी कलर है। ओके तो अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर हमारे पास जो कलर है वो फॉर एग्जाम्पल इन्फो कलर, ओके इन्फो ये असल में एक इन्फॉर्मेशन के लिए ये कलर दिया जाता है। ओके देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ बजाय इसके कि मैं खुद लिखूँ मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी किया देन इसे पेस्ट यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, देन इस जगह पे इन्फो की जगह पे मैं क्या दे देता हूँ सक्सेस कलर दे देता हूँ, ठीक है। देन इस इन्फो की जगह मैं दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल वार्निंग कलर, ठीक है, और इस जगह पे मैं दे देता हूँ डेंजर कलर, डेंजर दे दिया। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये आप कुछ इस तरह नजर आएगा, ये रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें दोस्तों कितना खूबसूरत आपके पास प्रोग्रेस बार डिफरेंट लेवल की आ गई है, ये आपके पास प्राइमरी कलर है, ये इन्फो है, ये हमारे पास कौन सा सक्सेस है, ये वार्निंग और ये डेंजर। अब एक और चीज़ भी आपको बताऊँ वो ये कि आपने ये भी देखा होगा कि ये जो आपके पास प्रोग्रेस बार आती है उसके ऊपर ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है, वो हम कैसे बना सकते हैं, वो जो आपको लाइनें सी नजर आती हैं वो हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए दोस्तों हमारे पास एक क्लास होती है, यहाँ पर सिंपल हमने क्या करना है यहाँ पर क्लास देनी है आपने प्रोग्रेस बार स्ट्राइप्ड, ठीक है। तो ये हम सबको दे देते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी किया यहाँ यहाँ पे पेस्ट यहाँ पे भी और फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। अब देखें वो आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग सी लाइन नजर आएंगी, ये रिफ्रेश किया और ये देखेंगे कितनी खूबसूरत ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। अब आपने एक और चीज़ देखी होगी, वो क्या बोला कि जैसे ही आप कोई चीज़ अपलोड करते हो या आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हो तो क्या होता है बोला ये प्रोग्रेस बार मूव होती नज़र आ रही होती है, मीन ये जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है ये आगे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूव कर रही होती हैं, वो ऐसे लग रहा था जैसे हमारी ये चीज़ जो है डाउनलोड हो रही है अपलोड हो रही है, ओके असल में बैक एंड पे। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए दोस्तों हमारे पास एक यहाँ पे क्लास होती है एक्टिव नाम से, एक्टिव, ठीक है, फिर मैंने एक्टिव क्लास दी, देन मैं यहाँ पे आता हूँ और इसे भी एक्टिव क्लास दे देता हूँ, इसे भी एक्टिव क्लास दी देन एक्टिव, देन हम यहाँ पे भी एक्टिव क्लास दे देते हैं, ये मैंने एक्टिव क्लास दे दी और इस जगह मैं आता हूँ और अपनी लास्ट ये प्रोग्रेस बार को भी मैं एक्टिव क्लास दे देता हूँ, ये कर लिया। देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ इसको रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें ये आपने गौर किया ये आपकी क्या हो रहा है, अब मूविंग हो रही है, ये आपकी जो सेट लाइन थी वो ऐसे लग रहा है जैसे प्रॉपर एक डाउनलोडिंग हो रही है अपलोडिंग हो रही है, ठीक है। इसके अलावा आप इसकी हाइट डिसाइड कर सकते हो, उसके लिए आप क्या करोगे ये जो स्टाइल आपने एट्रीब्यूट यूज़ किया है मेन स्टाइल एट्रीब्यूट इसके अंदर जाकर प्रॉपर डिसाइड कर दोगे हाइट की, और वो हाइट अगर सिर्फ आप चाइल्ड को दोगे ना तो सिर्फ आपकी हाइट बढ़ेगी नहीं, क्यों, वो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये देखें। अब आपने यहाँ पे क्या किया आपने यहाँ से इसे हाइट दे दी फॉर एग्जांपल अपनी मर्जी के मुताबिक फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल या फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल आपने इसे हाइट दे दी। अब जैसे आपने चाइल्ड को हाइट दी ना तो ये इसकी हाइट बढ़ेगी नहीं, उसकी वजह रीज़न ये है क्योंकि चाइल्ड को हाइट देने से चाइल्ड चीज़ नहीं बढ़ती बल्कि पेरेंट को भी साथ वही चीज़ देनी पड़ती है, ओके। तो सिंपल हम यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ पर जाते हैं और ये इसका जो पेरेंट क्लास है इसको भी हम स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल हाइट इसको सेट कर देते हैं, इसकी हाइट सेट कर देते हैं फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 50 भी कर दोगे तो ये 50 हो जाएगी,
इसकी हाइट 50 पिक्सल हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये मैंने रिफ्रेश किया और ये आपने गौर किया इसकी हाइट जो है वो बढ़ गई है। तो इस तरह हम हाइट भी अपनी मर्जी से अरेंज कर सकते हैं, थोड़े कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने सर ये तमाम चीज़ें सीखी, प्रोग्रेस क्या होती है, प्रोग्रेस के डिफरेंट स्टाइल्स कौन कौन से होते हैं, देन उसमें हम कैसे अपनी स्टाइल्स सीएसएस की इनलाइन स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं, कैसे हम वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग ऐड कर सकते हैं, कैसे अपनी प्रोग्रेस बार को एक्टिव बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज इस वीडियो के अंदर कवर की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं और कोई नई बूस्टर की क्लास सीखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।